महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सभी कर्मचारी एसोसिएशन रामबन के कार्यकर्ता आज यहां जेएनके सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मांग की कि राज्य सरकार को उनके लिए उचित नौकरी नीति तैयार करनी चाहिए। लंबे समय से लंबित मांगों के समर्थन से लगभग 100 मजदूर डाक बंगलो रामबन में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद ने की। इस अवसर पर बोलते हुए संघ के आंदोलन अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, और गुप्ता ने कहा हम राज्य सरकार से विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्री हक खान से वेतन बढ़ाने के लिए आग्रह करते हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें सेवा में 5 वर्ष पूरा करने के बाद रिटेल रेफर ए जरूरत पैटर्न पर नियमित करना चाहिए। MGNRIG के 70% कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए। उनका वेतन नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए और विभिन्न विभागों में काम करने वाले उनके समक्षों के समान वेतन को समान रूप से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मंत्री के हालिया बयान की निंदा की और कहा कि मंत्री को अपने बयान को सही ठहराना होगा। जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी जानते हैं कि पिछली बार हमने एक प्रोटेस्ट किया था RDD मिनिस्टर हक के खिलाफ, जिसमें उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दी थी कि जो MGNREGA एम्प्लॉयज हैं वो मेरे नहीं है, और हमने इस चीज़ को भी कंडेम किया था कि जो हक है वो हमारा मंत्री नहीं है। लेकिन हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे साथियों ने ये चाहा कि उसको एहसास हो जाए कि उसने जो स्टेटमेंट दिया कितनी गलत दी। हमने प्रोटेस्ट किया और पीसफुल किया, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनसे मिलने भी गए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हक खान ने हमें सिर्फ अश्योरेंस दी, उसके अलावा कुछ नहीं। रामबन से यूजी न्यूज़ के लिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट।